हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर ट्वेल्व द माउस मेडल एंड इन दिस चैप्टर वी विल रीड द स्टोरी ऑफ अ माउस हु इज टर्न इनटू अ गर्ल रीड स्टोरी फ्रॉम पंचतत्रा अबाउट अ गर्ल ये एक स्टोरी है कहाँ से है ये पंचतत्रा करके पंचतत्रा जो है ये बुक आती है जिसमें ढेर सारी स्टोरीज हैं हुज फादर वॉन्ट्स अ परफेक्ट हसबैंड फॉर हर किसकी स्टोरी में किसकी स्टोरी है ये एक लड़की जिसके पापा क्या चाहते थे जिसके पापा चाहते थे कि उसे एक परफेक्ट हसबैंड मिले रीड ऑन टू फाइंड आउट इफ शी फाइंड्स वन अभी हमें ये चैप्टर रीड करना है और देखना है कि उसे सही में परफेक्ट हसबेंड मिलता है या नहीं ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगेज देर लिव्ड मेनी होली मेन आपने गंगा रिवर का नाम सुना है यस ऑन द बैंक मतलब गंगा नदी के किनारे पर वहाँ पर ढेर सारे तपस्वी पुरुष रहते थे देर लीडर वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट लर्निंग और उनके जो लीडर थे वो कैसे थे वो बहुत ज्ञानी थे तपस्वी थे वो एक और उन्हें सारी चीज़ें पता थी लर्निंग मतलब उन्हें ढेर सारा नॉलेज था हर चीज़ का नॉलेज था उन्हें

वो गंगा नदी के किनारे पे अपनी प्रार्थना कर रहे थे देखो वहाँ पर फिगर भी दिख रहा है पिक्चर में उन्होंने हाथ कैसे हाथों में गंगा नदी का पानी लिया और वो अपनी प्रेयर कर रहे थे क्या हुआ? ऑन टू हैंड उनके हाथों में क्या आकर गिरा एक छोटा सा माउस माउस का बच्चा होगा एकदम छोटू सा था वो टाइनी मतलब वेरी स्मॉल फ्रॉम द बीक ऑफ अक फ्लाइंग अबाउ देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है ऊपर एक चील है वो चील क्या कर रही थी वो चील चूहे को बच्चे को पक पकड़ कर ऐसे लेकर जा रही थी तो क्या हुआ उसके चोच में से वो छूट कर कहाँ गिर गया उन तपस्वी जी के हाथों में द होली मैन लुक एट द माउस तपस्वी ने माउस की तरफ देखा इट वॉज लवली लुकिंग शी माउस वो बहुत सुंदर था और वो कौन था शी माउस मतलब वो चूहिया थी विथ करली टेल उसकी टेल कैसी थी करली एंड शाइनिंग आईज और उसकी आई आँखें कैसे कर रही थी शाइन कर रही थी चमक थी उसकी आँखों में ही लाइक हर एट वंस तपस्वी जी ने जैसे ही उनको देखा ना उनको वो चूहिया बहुत पसंद आई एंड वॉन्टेड टू कीप हर विथ हिम और उन्होंने उन्होंने क्या तय किया कि अभी वो उस चूहिया को अपने पास ही रखेंगे सो यूजिंग हिज मैजिक पावर्स उन्होंने क्या किया अपनी जादुई शक्ति जो उनके पास थी उनको यूज़ करके क्या किया उस उन्होंने ही चेंज द माउस इंटू अ लिटिल घर उन्होंने उस माउस को लिटिल घर में कन्वर्ट कर दिया आप लोगों ने देखा होगा ना तो आप लोग देखते हो वो जादू जादूगर जो रहते हैं वो करते हैं ना ऐसे चेंज वैसे ही तपस्वी जी ने क्या किया वो चूही आपको चेंज करके माउस में गर्ल में कन्वर्ट कर दिया ही टुक द लिटिल माउस गर्ल होम एंड प्रजेंट हर्ट टू हिज वाइफ फिर वो वो लड़की को अपने घर लेकर गए और अपने वाइफ के सामने उसको उन्होंने दिखाया कि ये हमारी लड़की है यू हैव ऑलवेज वॉन्टेड अ चाइल्ड ही सेड उन्होंने कहा अपनी वाइफ से कि, कि तुम्हें हमेशा एक लड़की चाहिए थी एक बच्चा चाहिए था हियर इज़ अवर डॉटर ये कौन है यहाँ पर है अपनी बेटी ये अपनी बेटी है वी विल ब्रिंग हर अप विथ लव एंड केयर अब हम इस हम क्या करेंगे अब हम इसे ढेर सारा प्यार करेंगे इसका ख्याल रखेंगे और इसे अच्छी तरह से बड़ा करेंगे द होली मैंस वाइफ वॉज वेरी हैप्पी वो तो बच्ची की जो वाइफ है वो भी बहुत खुश हो गई थी दैट शी फाइनली हैड अ डॉटर टू केयर फॉर उन्हें बहुत अच्छा लगा कि फाइनली उन्हें एक बेटी मिल गई जिसका अभी वो बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी शी सेड डू एवरी थिंग फॉर हर और उन्होंने कहा कि मैं इस बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती हूँ एंड ब्रिंग हर हाइक अ प्रिंसेस और इसे कैसे बड़ा करूँगी मैं अभी एक राजकुमारी के जैसे मतलब उसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी वो हमेशा खुश रहेगी देन नेक्स्ट पेज ईयर पास अभी बहुत सारे ईयर निकल गए पास हुए एंड द माउस गर्ल ग्रीव अप टू अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल और वो जो छोटी सी गर्ल थी वो अभी बड़ी हो गई अभी वो क्या हो गई अभी वो यंग हो गई है जवान हो गई वो अभी बहुत बहुत सुंदर दिखती थी द होली मैन एंड हिज वाइफ थाट दैट द टाइम हैड कम टू लो फॉर अ अटेबल हजबेंड फॉर द माउस मेडन मेडन मतलब क्या होता है यंग जो अभी शादी के लायक हो जाते हैं ना वैसी गर्ल उसे बोलते हैं मेडन मतलब एक युवती तो होली मैन जो थे तपस्वी जी और उनकी वाइफ ने सोचा कि अब इसे एक अच्छा सा दूल्हा इसके लिए एक अच्छा सा पति ढूंढकर इसकी क्या करनी चाहिए शादी कर देनी चाहिए अवर डॉटर शुड मैरीज समन हुई इज ग्रेटर दैन एनी वन एल्स द होली मैन तपस्वी जी ने क्या कहा कि हमारी बेटी की शादी किसके साथ होनी चाहिए कि जो सबसे महान हो उसके साथ आई थिंक द सन वुड बी द बेस्ट चॉइस ही एडेड एंड हीज वाइफ अ ग्रेड तो तपस्वी जी ने कहा कि मुझे लगता है कि किसके साथ शादी करनी चाहिए अपनी बेटी की सूरज के साथ क्योंकि वो कैसा है वो सबसे महान है तो उनकी वाइफ ने भी हाँ कह दिया द होली मैन यूजिंग हिज मैजिक पावर्स आज द सन टू कम डाउन तपस्वी जी ने क्या किया अपने मैजिक पावर यूज किए और सन को सन मतलब सूरज सूरज को नीचे बुलाया ओ होली मैन why डिड यू कॉल मी आज द सन तो सूरज ने पूछा कि हे तपस्वी जी आपने मुझे क्यों बुलाया है आई want यू टू मैरी my डॉटर द होली मैन said. क्या कहा तपस्वी जी ने कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी करो शी इज वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी गुड पर्सन वो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी है शी विल बी द परफेक्ट ब्राइड फॉर यू ब्राइड मतलब क्या होता है दुल्हन जिसकी अभी शादी होने वाली होती है वो दुल्हन तो उन्होंने कहा कि वो जो है वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट दुल्हन है परफेक्ट मैच है वो तुम्हारे लिए बिफोर द सन्नकुर से एनी थिंग अभी सूरज कुछ कहने वाला था तो क्या हुआ फादर आई कैन नॉट मैरी वो माउस मेडन थी उसने क्या कहा कि नहीं पापा मुझे इससे शादी नहीं करनी है मैं इससे शादी कर ही नहीं सकती हूँ ये तो बहुत हॉट है मुझे इससे भी अच्छा कोई चाहिए द होली मैन फील्ड सैड वो थोड़े उदास हो गए तपस्वी जी इज देर एनी वन ग्रेटर सूरज से पूछा कि भाई तुमसे भी महान कोई है देयर इज अ क्लाउड क्लाउड मतलब बादल मुझसे भी महान मुझसे भी स्ट्रांग हुई है तो वो बादल है अभी वो कैसे है वेन ही कवर्स माई फेस आई कैन नॉट शाइन मतलब जब क्लाउड मेरे फेस ढक देता है तो मैं शाइन नहीं कर सकता हूं हम लोग पता है ना जब बारिश रहती है तब क्या होता है बारिश के दिनों में जब बादल छा जाते तब क्या होता है हमें सूरज दिखता ही नहीं है सूरज की किरणें आती आती है है हमारे तक नहीं होलीमैन आज द क्लाउड टू कम डाउन तो फिर होली मैन ने किसको बुलाया बादलों को बुलाया बादल को ओ होली मैन वाई डिड यू कॉल मी आज द क्लाउड क्लाउड ने पूछा यह तपस्वी जी आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर बिफोर द होली मैन गुड आंसर अभी हॉली मोन को वो जो तपस्वी जी है वो कुछ बोलने वाले थे द माउस मैडन सेड माउस मैडन ने क्या कहा आई विल नॉट मैरी हिम मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है ही लुक सो डल ये तो बहुत डल है मतलब इसमें बिल्कुल ही ब्राइटनेस नहीं है शाइन नहीं है आई वॉन्ट टू मैरी सम वन बेटर मुझे इससे भी अच्छा कोई चाहिए जिसके साथ मैं शादी करूंगी द हॉली मैन आज द क्लाउड तो तपस्वी जी ने क्लाउड से पूछा इज देर एनी वन ग्रेटर देन यू कि भाई तुमसे भी महान कोई है स द विंड इज ग्रेटर देन मी क्या कहा बादल ने कि हाँ हवा मुझसे भी ज्यादा महान है स्ट्रांग है द विंड ड्राइव्स मी अबाउट वेर यस मतलब ये हवा मुझे कहीं भी लेकर जा सकती है जिस साइड में हवा जाती है उसी साइड में क्लाउड्स जाते हैं सो द होली मैन कॉल अपॉन द विंड टू कम टू हिज हाउस तो फिर होली मैन ने किसको बुलाया हवा को विंड को बुलाया अपने घर पर ओ होली मैन वाई डू डू कॉल मी शेर दिन तो हमारे पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है आई वॉन्ट यू टू मैरी माई डॉटर से होलीमैन ठीक है तपस्वी तो जी ने बोला कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी करो नो फादर आई डू नॉट वॉन्ट टू मैरी हिम ही इज ऑलवेज रनिंग अबाउट ही कैन नॉट स्टैंड स्टिल फॉर अट्राउड द माउस मैड माउस मैडन ने कहा नहीं नहीं मुझे इससे शादी नहीं करनी है ये तो हमेशा इधर उधर भागता रहता है ये एक जगह पे भी रुकता नहीं है तो मुझे नहीं करनी इससे शादी देन नेक्स्ट इज देयर एनी वन ग्रेटर देन यू सेड द हॉली मैन टू द विंड तो विंड से पूछा हॉली मैन तपस्वी जी ने कि भाई अभी तुमसे भी ग्रेटर कोई है क्या महान है कोई तुमसे भी यस द माउंटेन इज ग्रेटर देन मी मतलब माउंटेन जो है पहाड़ पर्वत ये है मुझसे भी क्या है महान है ही इज सो स्ट्रांग एंड टॉल That आई कैन नॉट him. हिम मतलब माउंटेन इतना स्ट्रांग है इतना टॉल है कि मैं उसे कितने भी जोर से हवा तभी वो क्या होगा वो मूव नहीं होगा मैं उसे नहीं हिला सकता हूँ आई कैन नॉट इवन पास ओवर इज हेड मतलब अगर जब हवा जाती है ना अभी पास होती है तो अगर बीच में माउंटेन आए तो हवा वहीं पर रुक जाती है क्योंकि वो माउंटेन उसे रोक लेता है देन द होली मैन कॉल अपऑन द माउंटेन टू कम टू हिम अभी होली मैन ने किसको बुलाया माउंटेन ओ होली मैन यू कॉल द माउंटेन माउंटेन ने पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया तपस्वी तो जी द माउस मैन एंड जम्प फॉरवर्ड एंड सेट जैसे ही वो आया माउंटेन तो क्या हुआ एकदम से ये माउस मैन जो है वो जम्प करके सामने आ गया और क्या बोली नो फादर ही इज टू टॉल रफ एंड हार्ड आई ओंट हैव हिम एज अ हजबेंड आई वॉन्ट सम वन बेटर क्या कहा उसने कि ये कितना ऊंचा है और रफ है बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है यह हार्ड है मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए मुझे इससे भी अच्छा चाहिए इज देरमेंट टू द माउंटेन फिर तपस्वी जी ने पूछा माउंटेन को कि भाई तुमसे भी अच्छा कोई है तुमसे महान कोई है यस द माउस इज ग्रेटर देन मी रिप्लाइड द माउंटेन माउंटेन ने कहा क्या? कि मुझसे भी महान कौन है माउस है अभी वो कैसे महान हो गया इट इज़ ट्रू दैट आई एम रफ एंड हार्ड बट द माउस मेक्स होल्स इन मी क्या कहा माउंटेन ने कि मैं रफ हूँ मैं हार्ड हूँ बहुत हार्ड हूँ बहुत रफ हूँ लेकिन माउस एक ऐसा एनिमल है कि जो क्या कर सकता है जो उसमें होल बना सकता है द होली मैन देन कॉल्ड अप द माउस टू कम ये मैन ने किसको बोला है माउस को अभी देखो क्या होता है द मोमेंट दाउस मैडन सॉ द माउस शी जम्प विध जॉय एंड हैप्पीनेस जैसे ही माउस आता है और माउस मैडन उसको देखते ही क्या होती है वा? वो वो एकदम जम्प करती है खुशी से और वह बहुत खुश हो जाती है फादर शिक्राइट ज़ोर से चिल्लाती है ही इज़ द वन आई वॉन्ट कि ये वही है जो मुझे चाहिए था आई विल मैरी हीम एंड लव हिम विथ ऑल माई हार्ट मैं अपने मन से इसके साथ शादी करूँगी और इसके साथ खुश रहूँगी भी थोड़े से से सोचते हैं. हैं. फिर फिर क्या करते हो? Magic power फिर से करते वो गर्ल द माउस और वो जो गर्ल है उसे किस में चेंज करते हैं वो माउस में सबसे पहले उन्होंने क्या किया था उनके पास उनको जो चुईया में थी उसको गर्ल में कन्वर्ट किया था अभी उन्होंने क्या किया उसी लड़की को फिर से उन्होंने चुईया में कन्वर्ट कर दिया अन केव हर इन मैरिज टू द माउस और फिर उन्होंने क्या किया उन दोनों की शादी कर दी और वो चूहिया उस चूहे को दे दी पसंद आई आपको स्टोरी आई होप ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी